नमस्कार मैं मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हैं एस पी एन नई न्यूज़ एस पी एन नई न्यूज़ में आज बातचीत करेंगे बीजेपी के एक ऐसे मंत्री की और एक ऐसे सांसद की जिसका जिसके बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2024 के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं उनकी चर्चाएं खूब हो रही है कभी उनको लेकर अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं तो ऐसे में अब खुल कर ये समझना जरूरी है कि आखिर नितिन गडकरी को लेकर इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं दरअसल पहले समझिए नितिन गडकरी साहब कौन है समझिए कि नितिन गडकरी जी को लेकर इतना चर्चाएं क्यों हैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी या फिर मोदी कैबिनेट का ये एक लौता ऐसा सांसद है जिन्होंने अपने फिल्म में अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम किया और यही वजह है कि आज लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा लोकप्रियता नितिन गडकरी जी की है सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ और ऐसी क्या मजबूरी रही या ऐसी क्या वजह रही कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड से इनको हटा दिया गया उसके बाद कई बार नितिन गडकरी नाराज भी होते दिखे कई बार अपने सरकार पर सवाल भी खड़े होते दिखे लेकिन पिछले कई दिनों से ये चर्चाएँ हो रही हैं कि नितिन गडकरी राजनीति से संन्यास ले सकते हैं उनका एक बयान भी आया था कि भाई पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको निभाने का मेरा काम है और मेरे जगह किसी आर को ज़िम्मेदारी मिलेगी तो वो भी पार्टी की ज़िम्मेदारी है इससे ये पता चलता है कि नितिन गडकरी का कहीं खेल ख़त्म तो नहीं होने वाला कयासो का दौर शुरू हुआ और कयासू के बाज़ार में अब ये देखना पड़ेगा कि नितिन गडकरी का जगह रहेगा यह पत्ता साफ़ हो जाएगा यह भी देखना पड़ेगा कि नितिन गडकरी को लेकर वाकई में मोदी सरकार 2024 के लिए क्या कुछ करेगी हालांकि सिर्फ यही कयास लगाए जा रहे हैं कि नितिन गडकरी रहेंगे या चले जाएंगे उनका पत्ता साफ़ होगा या फिर उन्हें टिकट दिया जाएगा लेकिन अब इन सब के बीच में हमें इंतजार करना होगा आधिकारिक बयान का कि आधिकारिक बयान बीजेपी क्या देती है और नितिन गडकरी को लेकर क्या खुलासे करती है क्योंकि नितिन गडकरी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी ताकत हैं और अगर ऐसे ताकतों पर अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि बीजेपी को ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा देखते हैं कि इसको लेकर क्या कुछ फैसला होता है और वाकई में मोदी सरकार क्या कुछ करेगी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं स्पेन आई न्यूज़ नमस्कार